ये बहुत घिसा पीटा लाइन ज़रूर लगेगा, लेकिन जो इनर ब्यूटी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अंदर से खूबसूरत होते हो तो वो ब्यूटी बाहर रिफ्लेक्ट करती है। और हमें ऑफ कोर्स अपने आपका केयर करना चाहिए, क्योंकि खास करके इस फील्ड में, क्योंकि हम एक्चुअली हम कमाते हैं अपने फेस से और अपने टैलेंट दिखाकर, तो हमारे फेस और अपने एंटायर पर्सनालिटी का हमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। ब्यूटी कैसा है कि अगर हमारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं और उनको अगर हम परफेक्ट करके ना, कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हम पे केस भी कर सकते हैं, हमें 10 प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एक्चुअली ब्यूटी को लेकर ये एक बहुत एक अलग, ये अलग दुनिया है और यहाँ पे हर कोई खूबसूरत दिखने के लिए आता है। जो भी हमारे पास यहाँ पे लॉन्च में एंट्री करता है तो उसको ये होता है कि नहीं, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री किया है तो रोजी है, हिया है, तो मेरे को बेस्ट बना के भेजेंगे बाहर। शी इज़ माई पार्टनर रोजी, जो पूरा हेयर का ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग रोजी करती है, सारा डिपार्टमेंट रोजी का है, हेयर का, मेरा पूरा स्किन का है। तो चैलेंज तो इसमें बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, बट आई नो एक ही शब्द बोलूंगी, मेरा जीजस मेरे साथ है ना, चैलेंज मैं ही जीतूंगी। पर मेरी तरफ से ये ब्लेसिंग है उसके लिए कि पार्लर बहुत अच्छे से चले, और वो बहुत मेहनती है, तो इस हिसाब से अगर उसकी मेहनत सफल हो जाती है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और मैं भी उसके साथ हूँ, क्योंकि मुझे भी ब्यूटी का ये वो थोड़ा जो नॉलेज है, मैं उसकी हमेशा हेल्प करूँगी, उसके साथ रहूँगी।